तो एरे फॉर्मूले में हम के क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत सारी कंपनियों की प्रॉब्लम भी होती है, तो दोनों का मिक्सअप है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चंस है, पहली क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे डेट डालने वाला हूँ, मुझे इस डेट का सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे का डेट चाहिए। तो देखिए एरे में घबराइए नहीं, सबसे पहले आप मैनुअली कीजिए कि अगर इसी चीज को मैनुअल करना होगा तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने लूप क्रिएट किया, मतलब कि हमने 31 तक का डेट क्रिएट किया, ठीक है। अब फिर मैंने इसमें से टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया और इसमें से मैं सैटरडे एंड संडे को अलग किया, डी अलग हो ठीक गया। है, मेक सेंस। उसके बाद हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाए कि इफ अगर एक इक्वल टू सैटरडे है, ठीक है, तो इस डेट को शो कर दो, राइट सर। ठीक है। अच्छा आपको मैंने बताया था एक स्मॉल एक लार्ज का फॉर्मूला याद होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 5 6 7 9 10 लिखा, राइट। अब मुझे अगर स्मॉल का फॉर्मूला मैं लगाया और बोला कि मुझे इसमें से दूसरा छोटा वैल्यू दिखा दो, तो 6 दिखा दिया। तो करेक्ट। इसी तरह से एक डेट 1 जनवरी का बट नंबर में है, ये आपका सेकेंड 8 जनवरी का है, ये भी नंबर में। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा है ये बड़ा करेक्ट। है। यहाँ पे स्मॉल फॉर्मूला को इसको सेलेक्ट करके और मैं बोलूंगा टू आ गया टू सर, टू करेक्ट। और लास्ट चाहिए तो मैं हाँ लार्ज फॉर्मूला लगाऊंगा, लार्ज, और इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां पे बोलूंगा पहला लार्ज, आ गया सर, क्लियर है। क्लियर। अब इसी को पूरा फॉर्मूला इसी को, जो हाँ भी इसी देंगे। फॉर्मूले को अब क्या करना है, हमें हमें करना है इसमें एरे में। तो सबसे पहले मैं यहां ईओ मंथ को अलग करूंगा, जीरो कर दो, ताकि एंड ऑफ द मंथ आ जाए, और इसी को मैं डे फॉर्मूले के अंदर लिखूंगा ताकि मुझे डेट पता चल जाए कितना 31 दिन है, राइट। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालूंगा स्मॉल का, तो फाइनल रिजल्ट तो स्मॉल देने वाला है ना, देन इफ का देन टेक्स्ट का, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करूंगा और इस पे मैं करूंगा रो नंबर 1 से लेके 31, जो कि लास्ट टाइम बताया था मैंने। रो 131 हूँ। अब ये क्या होगा, मैं थोड़ी देर में विलेज में समझाऊंगा आपको, क्या डी डी अगर ऐसा है तो A3 प्लस रो 1 से 31, ऐसा है तो A3 प्लस रो A से 31। जो मैंने यहां डाला था, और फिर मैंने यहां पे सेकंड डाल दिया तो सेकंड सैटरडे इंटरफेस किया, रिजल्ट वैल्यू आ रही है, इस पे हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने पे भी वैल्यू आ रही है, तो कहीं पे गलती हुई है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या फॉर्मूला प्रॉब्लम कर रहा है। एवलेट में सीक्वेंस बताता है, इसमें हमने बोला कि A3 और इसमें प्लस हुआ 1 से 31, दिख रहा है, तो हाँ, रो एक से रो 1 से 31 दिया, इसने क्या किया 1 से लेकर 31 तक का सीक्वेंस समझे। नंबर दे दिया। जब ये प्लस होगा तो ये आपको 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक का रिजल्ट आ जाएगा। बोले सेकेंड जनवरी क्यों दे रहा है, फर्स्ट क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे ही 1 जनवरी में, मैं यहाँ देख रहे 62 दिख रहा है ना सर आपको, 63 दिख रहा है, तो एक ऐड हुआ ना सर, एक तारीख का एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा ना, क्योंकि करेक्ट रो करेक्ट। में यहाँ 0 से 31 करना चाहिए था, ठीक है ना, सॉरी जीरो से जीरो से इकतीस तीस सॉरी जीरो से करना तीस पर रो 0 से 30 नहीं ले सकता, इसे मैं इसको एक माइनस करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है।
फिर मैंने इसको एबलेट किया तो इसने क्या किया, संडे मंडे में कन्वर्ट किया। ओके अब मैंने इसलिए एरर क्यों आया यहाँ पर दिखाया, क्योंकि इक्वल टू संडे नहीं हुआ है, हमने इफ कंडीशन में लॉजिक नहीं दिया है, तो हमें यहाँ इक्वल टू सैटरडे करना होगा। एक्स की रिजल्ट को हमें सैटरडे से इक्वल करना होगा। अब रिजल्ट आ गया सर, 15 जनवरी, गलत आ रहा है ना, ये जो है डेट हमारा, इसके हिसाब से यहाँ हमें क्या क्या आना चाहिए था, 14 जनवरी, 8 आना चाहिए था, 8 जनवरी, 8 जनवरी। तो ऐसा इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो इसने एक तारीख को तो काउंट ही नहीं किया ना, इसने एक तारीख को काउंट नहीं किया, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसमें से मुझे 1 माइनस करना है और इसमें भी मुझे 1 माइनस करना है। कंट्रोल सिर्फ एंटर या नॉर्मल मार दीजिए, आ गया। अब आ गया जनवरी, अभी कैसे काम किया एक बार देखिए, ये 3 हुआ, रो हुआ, प्लस हुआ, फिर इसने एक माइनस कर दिया सर। इसको टेक्स्ट ने क्या किया, टेक्स्ट को क्या हुआ कि टेक्स्ट को मिल गया टोटल 31 इनपुट्स, तो टेक्स्ट चले और 31 इनपुट में कन्वर्ट हो गया। अब इफ को भी मिला 31 इनपुट, तो 31 को चेक करके ये आपको ट्रू फॉल्स दे दिया, जहां मैच किया वहां पे ट्रू दे दिया। अब सेम यहाँ पे A3 में 31 से 31 ऐड होके माइनस हुआ ना सर, तो पूरा डेट आ गया। अब होगा क्या कि जहां जहां ट्रू है ना इफ, वहां वहां इसकी डेट को रिप्लेस कर देगा ट्रू, बाकी फॉल्स रहे, और जो स्मॉल फॉर्मूला है वो फॉल्स को कंसीडर नहीं करती है। तो ये नंबर को देखेगा और सेकेंड सैटरडे का डेट यहाँ दे देगा। अब इसमें क्या है कि इसमें आप लास्ट स्मॉल फॉर्मूला जान ही रहे थे, इफ जान ही रहे थे, टैक्स जान ही रहे थे, रो जान ही रहे, राइट। तो हमने इसको एरे एरे फॉर्मेट में इसको हमने क्या किया, अरेंज किया, समझ गए, करेक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि एरे समझने के लिए एक एग्जांपल काफी है, ना समझ में आया तो 100 भी कम पड़ेगा।